बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आई एम मिसेस अनिल इमरान एंड यू आर वाचिंग यू वी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारा क्वेश्चन है टू लाइट इन दिल्ली से यूज ऑफ सिंबलिज्म। ये क्वेश्चन हमने अहमद अली के नावल टू लाइट इन दिल्ली से लिया है और करंट नोट्स में से करेंगे। हम जानते हैं कि अहमद अली 1910 को दिल्ली इंडिया में पैदा हुए थे और 1994 को कराची पाकिस्तान में इन्होंने वफात पाई। और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल की। बीए 1930 में और एमए 1931 में किया। इन्होंने अपने जो नावल लिखे हैं उसके ज़्यादातर टॉपिक इन्होंने कल्चरल लिए हैं, रिलीजियंस लिए हैं। और टू लाइट इन दिल्ली 1940 में पब्लिश हुआ और इट वाज रिटन इन इंग्लिश बाय अहमद अली। अहमद अली ने बजाते खुद इसे इंग्लिश में ही लिखा। और ये उनकी एक ट्रेडिशनल मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी को बताता है ये नावल, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के भी तासुर को बताता है जो कि अर्ली 20th century में मौजूद थी सब कॉन्टिनेंट में। सिंबोलिज्म उन्होंने यूज़ किया, और हर राइटर की तरह सिंबोलिज्म किसी भी लिटरेरी वर्क की जान होते हैं। देखते हैं, डिस्कस द यूज़ ऑफ सिंबोलिज्म, बताएं जनाब अलामते जो जो इसमें यूज़ हुई हैं, इस्तेमाल हुई हैं। ट्विल लाइट इन दिल्ली इज इमेंसली विजुअल, रियल, विविड एंड क्लोज टू द ट्रेडिशनल वेज ऑफ ओल्ड दिल्ली। ट्विलाइट इन दिल्ली इमेंसली बेहद विजुअल, रियल है, देखने में बेहद हकीकी लगता है, विविड वाजिया है एंड क्लोज और करीब है टू द ट्रेडिशनल वे, उन रवायती तरीकों की ऑफ ओल्ड दिल्ली जो पुरानी दिल्ली में मौजूद थे। सिम्बोलिकल एलिमेंट्स इसमें अलामती अनासिर मौजूद हैव बीन यूज्ड वेमेंटली थ्रू आउट द नावल। पूरे नावल में शिद्दत के साथ, बहुत सख्ती के साथ, जोर के साथ अलामती अनासिर का इस्तेमाल किया जा चुका है। द वेरी टाइटल ऑफ द नावल इज हाईली सिम्बोलिक। अगर टाइटल ही देखें टू लाइट इन दिल्ली, इसी में सिम्बल, इसी में अलामतें मौजूद हैं। लिटरेरी, लफ्जी तौर पर अगर देखें ये वर्ड जो है टू लाइट रेफर्स टू द फेंट लाइट इन द स्काई, इसे रेफर किससे करते हैं, ये हमारी कोटेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्विल लाइट। तो ट्विल लाइट क्या बताता है, एक छोटी सी मध्यम सी रोशनी जो आसमान में आती है। फिगरेटिवली अलामती तौर पर इट रिप्रेजेंट्स द लास्ट स्टेज ऑफ समथिंग। अलामती तौर पर ये बताया जाता है कि जनाब किसी भी काम की आखिरी सतह है, यानी दिन का आखिरी टाइम आ गया है, अब सूरज गरूब होने वाला है, ये उस वक्त का बताते हैं। When became weaker or fail, जब वो काम एक तो कमज़ोर पड़ रहा है और दूसरा वो नाकामी की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने वाला है। Keeping this definition into mind, अब हम दिमाग में इस तारीफ को रखते हैं। One can easily understand, तो कोई भी शख्स आसानी से समझ सकता है। The symbolic significance of the title ऑफ़ द नावल, नावल में कौन से सिम्बोलिक चल रहे हैं, यानी टाइटल से हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ का जो ये राइटर बताने वाला है, एक तो वो कमज़ोर पड़ रही है, दूसरा वो नाकामी की तरफ जा रही है और वो ख़त्म होने वाले हैं। तो इट्स मीन के कल्चर जो था, मुस्लिम प्रायोरिटी जो थी वो फिनिश हो रही थी, टाइटल से ही हमें पता चल गया। आगे चलते हैं तो बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में द डिस्क्रिप्शन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द नावल। नावल के शुरू में जो उन्होंने बयान बताए हैं हैज़ सिम्बोलिक सिग्निफिकेंस। नावल का स्टार्ट ही उन्होंने बड़ा अलामती तौर पर और सिंबल्स की अहमियत को वाजिया करते हुए लिया है। इट शोज़, वो क्या दिखाता है, द डिके ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशन। ये आपका कीवर्ड है, अगर वो पूछे कि व्हाट वाज द बिगनिंग ऑफ द नावल, तो हमारा आंसर है द डिके ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशन। मुस्लिम तहजीब का जो जवाल था वो दिखाता है इसका शुरुआत ही। विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन इनएफिशिएंसीज क्या होती हैं, नाअहलियाँ, जो उनकी अपनी ही नाअहलियों एंड मिसमैनेजमेंट्स और गैर मुनज़्ज़माना काम करते थे, मुनज़्ज़िम नहीं थे। इन हैंडलिंग स्टेट्स, अपनी रियासत को काबू पाने में, स्टेट्स अफेयर्स अपनी रियासत के मामलात को काबू पाने के लिए, एक तो वो गैर मुनज़्ज़म थे, दूसरे वो नाअहल थे। इस वजह से क्या हुआ, द डिके ऑफ द मुस्लिम हुआ। अहमद अली कहते हैं नाइट इन्वॉल्व्स द सिटी कवरिंग इट लाइक अ ब्लैंकेट। ये हमारी कोटेशन है कि रात ने पूरे शहर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है, यानी रात मायूसी, नाउम्मीदी,
ग्लूमी कंडीशन, ये रात का मंजर भी उसी को शो कर रहा है। द डार्क एंड डिजर्टेड साइट, एक तो बड़े अंधेरे वाला एरिया है, दूसरा वेरान नज़ारा है ऑफ द सिटी, पूरे शहर का शोज द नेशंस मिजरेबल प्लाइट। और कि हमने ये कौम की हालत ज़ार, मुसीबत ज़दा हालत ज़ार दिखाते हैं अंडर द कलोनियल फोर्स। किसके अंदर? ये जो कलोनियल निज़ाम बनाया जाता है, नो आबादियाती निज़ाम बनाया जाता है, उस कुव्वत के तहत कौम की हालत बहुत काबिले रहम है। आगे चले तो नेक्स्ट सिंबल क्या है? जनाना एंड मर्दाना। नेक्स्ट सिंबल शोज़ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, माशरे में फ़र्क बताता है कि मर्द और औरत के अंदर एक इम्तियाज़ रखा गया है, फ़र्क रखा गया है। इट आल्सो थ्रो लाइट्स ऑन द रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड लाइफ ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाइम। और ये लाइट डालता है, रोशनी डालता है रिस्ट्रिक्टेड, महदूद एंड कन्फाइंड, पाबंद जिंदगी औरतों की ऑफ द टाइम, उस वक्त की। डेट दे वर ट्रीटेड, और उनको कैसा उनके साथ सलूक किया जाता था? एज स्लेव्स, जैसे वो गुलाम हैं। एंड दे हैड नो रोल, कोई किरदार नहीं था इन सोशो पॉलिटिकल समाजी सियासी हिसाब से उनका कोई किरदार नहीं था। सेटअप ऑफ द कंट्री, और मुल्क के किसी भी काम ने किसी किस्म का भी हाथ नहीं बटा सकती थी, सिर्फ घर की चार दीवारी में ही वो बंद थी। असगर, अगले असगर का सिंबल आ रहा है जनाना मर्दान के बाद। नेक्स्ट सिंबल असगर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ यूथ, वो नौजवानों को पेश करता है, उनके नुमाइंदा है। ही इज़ अ टिपिकल इंडियन, और बड़ा आम किस्म का इंडियन है, मिसाली भी लगा सकते हैं, टिपिकल आम इंडियन मुस्लिम, रोमांटिक बिहेवियर, बड़ा रोमानवी किस्म का उसका रवैया है। हु इज़ स्पेंडिंग लाइफ विदाउट एनी प्रायर एम, कोई भी उसके पास पहले से सेट मकसद नहीं है, कोई सबका उसके पास प्रायर पहले के कोई उसके पास मकासद नहीं है। द करेक्टर ऑफ असगर सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट्स, अब क्या हमने इलामत उसके करेक्टर असगर की शो करी है? अ कन्फ्यूज जनरेशन, अब कन्फ्यूज जनरेशन हमारा कीवर्ड है, एक परेशान नस्ल। इन हौज बोझ, हौज बोझ क्या होती है? बेकार चीज़ों का मुरक्कब। हौज बोझ यानी ब्रिटिश कल्चर और इंडियन मुस्लिम कल्चर, उनका वो एक मुरक्कब बना हुआ है ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश कल्चर, हिंदुस्तानी और बरतानवी सकाफत का। ही इज़ अ काइंड ऑफ न्यू मैन, वो एक किस्म का नया आदमी है। हु इज़ कल्चरली मंगोरल, मंगोरल कौन है? यानी दो नस्लों, यानी नर और मादा से पैदा होने वाला, या मंगोरल हम ये भी कह सकते हैं कि दोगलापन, उसमें दो हिस्से पाए जाते हैं, ना तो वो इंडियन है मुकम्मल तौर पर, ना ही वो ब्रिटिश है मुकम्मल तौर पर, कल्चर के हिसाब से। एज अहमद अली सेज, अहमद अली खुद उसके बारे में क्या कहता है? प्रिवेलिंग कंडीशन हैव प्रोड्यूस्ड अ न्यू मैन, ये छाई हुई हालात, ये जो हालत थी, इन हालात की वजह से नए इंसान तश्कील पा रहे थे। हुज यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी उसकी यकसानियत। हु इज़ कल्चरली अमंगोरल, जो कल्चर के हिसाब से दोगला था। नॉर बैलेंस कल्चरली मंगोरल, यस हुज लाइफ हैज़ नीदर, जिसकी ज़िंदगी ना तो डेप्थ नॉर एक्सपेंसिव, और ना तो इसकी ज़िंदगी गहराई में थी वहाँ पर कंडीशंस के साथ, और ना ही एक्सपेंस थी, ना ही वसत में थी, नॉर बैलेंस और ना ही मुतनासिब थी, नॉर यूनिफॉर्मिटी और ना ही उसमें यकसानियत थी। नए आदमी की ज़िंदगी में डेप्थ भी नहीं थी, एक्सपेंस भी नहीं था, बैलेंस और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी, ना यानी ना तो वो अपने कल्चर से गहराई से प्यार करता था, ना कल्चर की वसत का उसे पता था, ना कल्चर के मतवाजन होने का उसे पता था, ना ही उसे कल्चर की यकसानियत का कोई इलम था। प्रिवेलिंग कंडीशंस थी, वो नए नए कल्चर से नई नई नस्ल तश्कील पा रही थी। वो इज़ कल्चर या मंगोरल, मंगोरल हमारा कीवर्ड है जो दोगला था। क्यों? एंड इन फैक्ट दर हकीकत हाइब्रिड, दो सकाफतों का मिला जुला नमूना था। हाइब्रिड क्यों होता है? दो सकाफतें, सकाफतें कौन सी थी अभी हमने पढ़ी हैं। अगर वो पूछे आपसे कि असगर वाज द हाइब्रिड ऑफ विच काइंड ऑफ कल्चर्स, तो आपने बताना है इंडियन मुस्लिम एंड ब्रिटिश कल्चर, ये दोनों कल्चर्स का वो एक मिला जुला नमूना है। एंड सम वट कम कंटेम्पटेबल, और बाजू का तो वो कंटेम्पटेबल है, काबिल मजम्मत है हमारे ख्याल में। हुज फाइनेस्ट इमोशंस एंड डायवर्ड ऑफ ब्यूटी एंड डिग्निटी, और जो काबिल मजम्मत है क्योंकि उसके जो जज्बात है ना खाली है,
क्यों हाली हैं, ब्यूटी से और अजमत से। बार बार उसके जज्बात चेंज होते हैं, कभी वो जाता है बिल्किस की तरफ और बिल्किस के बाद कभी जाता है मुश्तरी भाई की तरफ, यानी जज्बात उसके बदलते हैं और वो का बात काबिले मुज़म्मत है। और जब बिल्किस मर जाती है तो उसकी बहन ज़ोहरा की तरफ उसकी ब्यूटी और डिग्निटी और लव ये सब कुछ चेंज हो जाता है, और क्योंकि वो खाली है इन जज्बों से, उसमें ये जज्बात डाइवोर्ड मौजूद ही नहीं है। द क्वालिटीज़ विच स्प्रेंग फ्राम, और वही खूबियाँ जो उसमें से आती हैं, द ट्रेडिशन रवायात की ऑफ डैट हारमोनी कल्चर, और वो किसकी अलामत है, उस हारमोनियस कल्चर की अलामत है जो हम साज है, हम आहंग है। हम आहंग किसके साथ है, एक उस कल्चर के साथ जो कल्चर मुस्लिम का है ही नहीं, उसके साथ वो हारमोनियस है। आगे चलते हैं, तो हमारा पीडीएफ जनाब हिल गया है। अपने क्वेश्चंस के सबके पीडीएफ इसलिए बना के रखे होते हैं ताकि ये वक्त पे हमारे काम आए, बने हों तो फिर रिकॉर्डिंग ईजी हो जाती है। अगला हमारा पेज आ गया है, उस पर बात करें, द डेथ ऑफ बिल्किस, बिल्किस की मौत अब किस चीज़ की अलामत है, एंड द मैरिज ऑफ मेहरू विद मेराज, मेहरू जो इसके असगर की बहन होती थी, और बिल्किस जो है वो असगर की बेगम है मेराज से, जब उसकी शादी हुई है, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ की अलामत हैं। शोज़ द अटर एक्सप्लॉयटेशन, अटर एक्सप्लॉयटेशन बताते हैं कि बिल्कुल ही हक मारा जा रहा है उनका, हक एहतसाल किया जा रहा है ऑफ़ द वीमेंस खवातीन का, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके नतीजे में ऑफ द मिसमैच मैरिजेस, मिसमैच मैरिजेस जो शादियां हो रही हैं लेकिन उनका कोई मैच नहीं बन रहा। अगर मेहरू और मेराज की शादी हुई है तो मेराज को हमने देखा था कि वो मेहरू के मामले में उसके मैच में बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, और अगर हम देखते हैं तो गफूर की, गफूर होता है एक करेक्टर जिसकी शादी होती है तो वो भी उसके साथ मैच नहीं करती, वो एजड होता है और वो लड़की छोटी होती है, ये मिसमैच हो गया था। मैरिज ऑफ शेख सदीक 14 ईयर्स नीस, ये है उनकी 14 साल भतीजी विद स्ट्रॉन्ग एंड वायरियल, जो जिसकी उन्होंने शादी कर दी बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ जो मर्दाना सिफत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसका क्या नाम था, गफूर था। गफूर जैसे मैंने पहले बताया है कि वो एजिड था, उसकी एज ज़्यादा थी, और वो सदीक जो शेख थे उसकी वो भतीजी थी जिसके माँ बाप नहीं थे, उसने उसकी बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी कर लिया, एंड कॉन्सिक्वेंट डेथ, और फिर वो बेचारी वफात आ जाती है जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो मर जाती है। ऑफ द इनोसेंस गर्ल, ये मासूम लड़की की मौत हो जाती है विद अल्सर, एक जख्म की वजह से, ऑफ वॉर्म, वॉर्म होता है बेबी बैग में, बेबी बैग में उसका जख्म हो जाता है, इज़ ऑल्सो नो एक्सपेक्शंस एक्सेप्शंस, और जिसकी तवक्का नहीं की गई थी, ये भी एक अलामत थी हमारी मिसमैच मैरिजेस के। और अगर वो पूछें आपसे कि शेख सिद्दीक की 14 ईयर्स नीस की डेथ कैसे हुई, तो अल्सर ऑफ द वॉर्म की वजह से उसकी डेथ हुई थी, और शादी किससे हुई, गफूर से हुई। मीर नेहल्स फैमिली, इसकी फैमिली देखिए सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट्स द होल मुस्लिम कम्युनिटी को बताते हैं, इन इंडिया, इंडिया में हु हैड स्पेंड द सेम टाइप ऑफ लाइफ, वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं फॉर मैनी मैनी सेंचुरीज, कई सदियों से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देयर अप्रोचेज रिलीजियस एटमोसफियर, उनकी जो पहुँच है, उनके जो मजहबी माहौल है, बिलीफ जो यकीन है इन कस्टम्स रवायात में, एंड ट्रेडिशंस और रस्मों में, एंड सुपरस्टिशंस, और वो तोहम प्रस्त भी रहे हैं। All are packed in one family of Mir Nihal, और ये सारा का सारा कुछ Mir Nihal की फैमिली में हमें नजर आता है। याद है जब आंधी तूफान आता है तो कहती झाड़ू रखो बेड के नीचे और तवा उल्टा करके रखो, और ती किसी ने बिल्किस का रिश्ता करना चाह रहा है बस कर, तो असगर को, बल्कि इसकी माँ ने असगर पे कुछ जादू टूना करवा दिया, ये सारे सुपरस्टिशियस होते हैं जो इनकी ही फैमिली में हमें सब कुछ मिल जाता है। द चैप्टर अबाउट द डेथ ऑफ द Mir Nihal पिजन्स, Mir Nihal के पिजन्स की डेथ हो जाती है, उसमें सिंबल देखते हैं। सून आफ्टर द डेथ ऑफ बबन जान, जब बबन जान की डेथ होती है तो वो Mir Nihal, एक तो उनको दाना डालना भूल जाता है, और जब दाना डाल रहा होता है तो बबन जान की मौत का पैगाम लेकर आ जाता है, और जो पैगाम लेकर आता है ये उसके गम में दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। आते आते जो बाकी के कबूतर होते हैं वो बीमार खप जाते हैं, उनको भी खाया जाता है, बिल्ली के हाथों खा जाते हैं, और बिल्ली मज़े मज़े वहाँ आराम कर रही होती है। अब दोनों काम एक ही दफ़ा होते हैं, एक ही चैप्टर में हो जाते हैं। इट वॉज द
टर्निंग पॉइंट इन मीर निहाल्स लाइफ। तो अब ये क्या था, हालात का बदलना था। मीर निहाल के हालात बदल गए थे। अ हेल्दी टॉल एंड हैंडसम मीर निहाल इज टर्न्ड इनटू अ वीकर मैन। ये अब हमने देखना है, अगर पूछा जाए कि मीर निहाल के हालात, उसकी ज़िंदगी कब चेंज हुई, तो उस वक्त चेंज हुई जब बब्बन जान की डेथ हुई। यानी बब्बन जान उसकी जान थी और इसके बाद पिजन भी उसकी जान थे। तो पिजन को तो वो एमरजेंसी में बंद करना भूल जाता है दरवाज़ा, क्योंकि वो उसको खबर मिलती है बब्बन जान की तबीयत ख़राब है। द होल एपिसोड सिम्बोलिकली फोर टेल्स। अब ये जो सारी का सारा एपिसोड्स है, ये हमें पेशन गोई कर देता है, ये हमें पहले से बता देता है कि हालात बदलने वाले हैं। द डिफीट ऑफ सर्टन ट्रेडिशनल स्टेटिक, स्टेटिक क्या है, साकिन वे ऑफ मुस्लिम्स लाइफ, कि अब ये जो मुसलमानों का रुका हुआ तौर तरीका है और ज़िंदगी का तरीका है ना, इसको अब शिकस्त होने वाली है। इफ़ द पिजन्स रिप्रेजेंट मुस्लिम कल्चर, अगर आप पिजन को देखें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम कल्चर को। द कैट जो पिजन्स को खा जाती है, द कैट इज़ परहैप्स द इंट्रूडर, तो कैट्स तो वही है ना जो घुस के बैठ गई है आके, मदाखलत करने वाली है, ब्रिटिशर्स है ना, तो कैट किन का सिंबल है, ब्रिटिशर्स का, ये भी आपके कीवर्ड्स हैं। द एपिसोड इज़ परहैप्स द मोस्ट सिंबॉलिक, इसमें इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा अलामतें पाई गई हैं। इवन द नावल डेट इज़ अ कैट किल्स, और ये भी देखते हैं कि एक तो कैट्स मार भी देती हैं मीर निहाल के बहुत सारे पिजन्स को। हेयर द कैट इज़ अ पोटेंट सिंबल, अब यहाँ पर ताकतवर का और ज़ोरदार ये सिंबल है कैट। कैट को अगर देखें तो कैट बनती है ताकतवर की और जोरावर होने का सिंबल है। और इसके बाद जब वो खा जाती है, उन्हें घुस के बैठ जाती है उनके जो उनका छज्जा, उसने केज सा बनाया होता है, तो जमीन के वो इंट्रूडर भी बन गई है। विच अहमद अली हैज़ यूज्ड रिपीटेडली इन हिज शॉर्ट स्टोरीज टू रिप्रेजेंट कनिंग, स्टील्थ एंड डिस्ट्रक्शन। और अहमद अली ने अपने मुख्तसरन कहानियाँ, जो छोटी छोटी कहानियाँ भी उसने लिखी हैं, उनमें भी उसने इन सिंबल्स को यूज़ किया है, जिनमें वो मकारियाँ दिखाता है। स्टील्थ होता है चुराना, किसी की चीज़ चुरा लेनी, वो बताता है डिस्ट्रक्शन, तबाहियाँ बताता है। इट इज़ आइडेंटिफाइड्स, ये शिनाख्त करता है द कैट के, जो कैट है विद द ब्रिटिश के, ब्रिटिश के साथ, हु हैव सक्सीडेड, जो कामयाब हो गए इन अल्टरिंग, तब्दील करने में और डिस्ट्रॉइंग या तबाह करने में, द चैरिश्ड वे ऑफ लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स, खुशगवार जिंदगी का तरीक़ाकार जो मुस्लिम वहाँ गुजार रहे थे। विद मीर निहाल जनरेशन, अगर मीर निहाल की जनरेशन को देखें, हैज़ बिन इंजॉइंग विद, तो वो इसके साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। सिमिलरली द एपिसोड इन विच स्नेक एंटर्स इन टू द केज ऑफ द पिजन, स्नेक के एंटर का भी एक एपिसोड आता है, उसमें क्या अलामतें मिल रही हैं, एंड मीर निहाल कैचिंग, और मीर निहाल उसको होल्ड कर लेता है बहादुर इंसान की तरह से, ऑफ द स्नेक ऑफ बाई इट्स टेल, उसकी पूंछ से, एंड स्मैचिंग, और उसको मारता है। स्मैचिंग क्या करता है, उसको तोड़ देता है, स्मैशिंग कर देता है, और स्मैचिंग कर देता है, झपटता है, दो मफहूम में इसका आ जाता है, क्योंकि वो बहादुरी, इंडियन मैन की बहादुरी को दिखाता है, और जो छुप कर आता है दुश्मन स्नेक, उसको दिखाता है कि दुश्मन छुप कर आया है, और वो छपटता है उसको, स्मैचिंग करता है, इट ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर उसको ज़ोर ज़ोर से झपटता है, मारता है। शोज़ द इंट्रूजन्स ऑफ सम सीक्रेट बींग इन टू द पीसफुल एंड रोमांटिक वर्ल्ड, और मीर निहाल पार्टिकुलरली इंट्रूजन कौन था, ये घुस बैठिया मुदाखलत करने वाला स्नेक, जो आ गया बड़ी राजदारी के साथ उसके पुरअमन और खूबसूरत और रोमानवी दुनिया में, ख़ास तौर पर मीर निहाल की दुनिया में आया, तो उसने तबाही हलचल मचा दी। लेकिन इस वक्त मीर निहाल ने उसकी कमर तोड़ दी, उसकी हड्डियाँ ही तोड़ दी, तो यहाँ से ये पता चला कि जनाब ये बहादुर थे, इंडियन मुस्लिम कोई छोटे मोटे नहीं थे, मजबूत थे। एंड इन दिल्ली इन जर्नल, और दिल्ली में उन्होंने जर्नल तौर पर ये सिंबल को बताया है। दिल्ली में देखें तो जनाब ब्रिटिश आए हैं बड़ी राजदारी से, बड़ी सीक्रेट स्नेक की तरह, और आके उन्होंने इन पर हमले कर दिए हैं। वेल द किलिंग ऑफ द स्नेक शोज द ब्रेवरी, अब ये बताती है कि बहादुरी और वेलोर मर्दानगी, दलेरी किसकी, ऑफ एन ईस्टर्न मैन, एक मशरकी आदमी की, मगरबी आदमी जो इंडियन है और मशरू ब्रिटिश है, मगरबी और मशरकी
इंडियन, बट इट इज़ ऑल्सो आयरोनिक। लेकिन ये तो एक आयरनी है। आयरनी क्या होती है? किसी चीज़ का उलट होना। इन द सेंस अगर सोचा जाए, डैड मीर हाल इज़ अनअवेयर, उसे तो खबर ही नहीं है। और ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता पैनिट्रेटिंग पैनिट्रेटिंग कि वो आर पार होना या आहिस्ता आहिस्ता घुस जाना, आ जाना, चेंज इन टू हिज हाउस, कि तब्दीली तो उसके घर में भी घुसती जा रही है। पैनिट्रेटिंग कि घुस गई है उसके घर में। क्यों? उसका बेटा जो चेंज होने वाला होता है वो अपना कल्चर अडॉप्ट कर लेता है, तो वो इस चीज़ से तो बेखबर है। कल्चर एंड अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ हिज सन असगर, असगर की सूरत में ये सब कुछ उसके घर में पहले से आ चुका है, चेंज हो चुका है। ये अगर आप स्नेक को देखें तो असगर के साथ आहिस्तगा इससे भी उसको मिला रहे हैं कि जनाब आहिस्तगी आहिस्तगी से तब्दीलियाँ आ रही थी। इन टू लाइट इन दिल्ली में देखें, पिजन फ्लाइंग एंड काइट फ्लाइंग हैज़ बीन शोन एज अ पार्ट ऑफ मुस्लिम कल्चर। अब ये किसकी अलामत है? मुस्लिम कल्चर की अलामत दिखाई गई है। द फेमस हॉबीज ऑफ यूथ, ये नौजवानों की बड़ी अच्छी उनके शौक थे, एज वेल ऑफ ओल्ड पीपल, और इसके अलावा बूढ़े लोग भी इसे पसंद करते थे। अनदर हॉबी मैंशनड, एक और हॉबी का भी जिक्र किया गया है। जब ये बूढ़े बैठ जाते थे तो ये अल्केमी की तरफ जाते थे। इन द नावल इज़ अल्केमी, और वो है मेकिंग गोल्ड। अल्केमी के फील्ड की तरफ जाते थे, गोल्ड बनाने की तरफ जाते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी कि शायद हम गोल्ड गोल्ड बना सकते हैं बैठे बैठा, ये फालतू के काम करते थे। देर आर अ नंबर ऑफ करेक्टर्स, बहुत से ऐसे करेक्टर्स हैं हु आर क्रेजी पागल हैं अबाउट द मैथड ऑफ मेकिंग गोल्ड, और वो इस गोल्ड को बनाने के तरीक़ाकार में जुनूनी हद तक पागल हुए हैं। सिम्बोलिकली अगर देखें तो हॉबीज़ आर नथिंग, ये तो किसी किस्म के भी किसी काम की उनका शौक नहीं है, बट डिफरेंट चैनल्स, अगर डिफरेंट चैनल्स ऑफ एस्केपिज्म, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से डिफरेंट चैनल ऑफ एस्केपिज्म है तो फरार के रास्ते बताएं, तो आपने बताना है जनाब अल्केमी, काइट फ्लाइंग, पिजन फ्लाइंग, ये सब उनके जो फरार के रास्ते थे। और वो जो कॉर्टियर्स जिसके पास भी तो जाते थे, वो भी तो फरार का रास्ता था, कॉर्टिजन्स के पास जाते थे, दवाइफों के पास जाते थे, फरार ढूंढते थे वहाँ से भी अपनी ज़िंदगी में प्लेजर के लिए। हाँ, दिस पीपल, ये जो लोग थे, हैव नथिंग टू डू, कुछ नहीं करते थे। दे आर परहैप्स अनएबल टू फेस द चेंजिंग वर्ल्ड, वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो इस बदलती दुनिया को देखें, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी। दैट इज़ वाई दे हैव टेकन रिफ्यूज, क्योंकि उन्होंने पनाह ले ली थी दिस फ्राई वॉल्स एक्टिविटीज़। अगर ये क्वेश्चन आता है डिफरेंट चैनल्स ऑफ एस्केपिज्म तो, और या दूसरा आता है कि उनकी फ्राई वॉल्स एक्टिविटीज़ कौन सी थी, तो हमारा जवाब वही है, अल्केमी, पिजन फ्लाइंग एंड काइट फ्लाइंग। क्योंकि हमारे यूएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस की ज़रा विश रखते हैं, इस वजह से मैं साथ साथ छोटे क्वेश्चंस भी एलेबरेट कर रही हूँ। अ नंबर ऑफ बैगर्स, बैगर्स अब किस चीज़ की अलामत है? रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, गलियों में फिर रहे हैं, शोज द ऑब्जेक्ट पुवर्टी, गुर्बत बताते हैं, एंड द डिकेइंग कल्चर ऑफ दिल्ली, और दिल्ली का जवाल होता हुआ सकाफत, उनकी सकाफत जो जवाल पजीर हो रही है उसका भी बताते हैं। दे ऑल्सो शो द मैस इलिटरेसी। अब मैस क्या होता है? मैस का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, इलिटरेसी जहालत, नाख्वानदगी, गैर तलीम याफ्ता, बड़े पैमाने पर वो गैर तलीम, यानी तलीम नहीं है ना उनके पास, जब वो बड़े पैमाने पर मैस गैर तलीम याफ्ता होंगे, अनपढ़ होंगे, तो नौकरियां कहाँ करेंगे वो, उनको फिर नौकरी का तो मौका नहीं मिल सकता ना। एंड अनअवेयरनेस, और उनकी बेखबरी ऑफ द पीपल्स ऑफ द टाइम, उनकी बेखबरी कि जो लोग उस वक्त के हैं उनसे उनकी बेखबरी है। बैगर्स इस चीज़ की अलामत है कि जहालत बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, और इसके बाद वो बेखबर थे अपने वक़्त से कि कल्चर डिके हो रहा है। और इन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन जो हमें स्टार्टिंग में बताई है, ये वाली, नाइट इन्वॉल्व्स द सिटी कवरिंग इट लाइक अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट वाली जो कोटेशन है वो याद करने वाली है। द पैरालाइसिस ऑफ मीर निहाल, पैरालाइसिस देखें, जो मीर निहाल साहब हमारे फालच के शिकार हो गए थे, इज़ ऑल्सो हाईली सिम्बॉलिक, उसमें भी अलामतें पाई जाती हैं। ये वो फालच हो गया था ना, इनके टांग नहीं हिलती थी, फिर बाजू नहीं हिलता था, फिर कहीं आहिस्ता सा ज़ुबान हिलने लगी थोड़ी थोड़ी। इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, के चल जी हमारा सारा का सारा जो पुराना निज़ाम है उसको भी ऐसे फालच हो रहा है।
और द एंड ऑफ द ओल्ड ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीव्स, और ये जो हमारे ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीव्स थे, ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीव्स यानी कदामत पसंदी, ये जो पुराने कट्टर हमारे बिलीव्स थे, भाई हमने इसी के इसी बात पे कायम रहना है, तो इसी बात पे ही कायम रहना है। ऑर्थोडॉक्सिकल थे, कट्टर मजहबी, याद है हमने लास्ट टाइम इसको थीम वाले क्वेश्चन में देखा है, कट्टर मजहबी के कोटेशन में, और अभी देख रहे हैं कदामत पसंदी के मौजू में। मीर निहाल से डिस्क्रिप्शन एट द डेथ ऑफ हिज सन हबीबुद्दीन, अब जब बयान करता है उसके बेटे की वफात हो जाती है, एंड एट हिज ओन पैरालाइज सिम्बोलिकली, अब एक तो उसका बेटा वफात पा गया, दूसरा वो खुद पैरालाइज हो गया है, फालज का शिकार हो गया, तो दोनों सिंबल हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड जनरेशन एट इट्स डिसबिलिटी, कि ये जो पुरानी जनरेशन है ना, वो अब अपनी डिसेबिलिटी पे आ गई है, अब उसके अंदर कोई काम करने का मियार नहीं रहा, कोई काबिलियत नहीं रही, क्यों, जवान नस्ल तो ख़त्म हो गई, पुरानी नस्ल बीमार पड़ गई, तो हुकूमत संभालनी किसने थी, अब तो कोई बच्चा ही नहीं है, बुढ़े तो हुकूमत संभालने वाले हैं नहीं, वो तो फालच का शिकार है। हबीबुद्दीन जवान नस्ल थी, जवान नस्ल मर गई तो उससे मेन कल्चर ख़त्म। द लास्ट चैप्टर रिलेट्स हिज कंडीशन ऑफ दीज वर्ड्स, आखिरी चैप्टर में वो बताता है ही वॉज वेरी एंड टायर्ड, वो बहुत थका हुआ नज़र आता है, बहुत थका हुआ है, लिम्प है, लिम्प का मतलब है कि लंगड़ा रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है, लाइक शेकन हैंड, और उसके हाथ जो हैं वो भी हिल रहे हैं, शेक हो रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हिलना। हिज वर्ल्ड हैड फॉलन टू पीसेस, उसकी दुनिया तो टुकड़े हो गए, ऑल अराउंड हिम जो उसके इर्द गिर्द थी, स्मूदर्ड बाय इंडिफरेंस एंड डेथ, स्मूदर्ड उसका दम घुट रहा था, दम घुट रहा था क्योंकि उसके इर्द गिर्द कि जो दुनिया थी वो तबाही का शिकार हो रही थी, इंडिफरेंट थी उसमें, वो ला ताल्लुक हो गया था अपने इर्द गिर्द की दुनिया से, ला ताल्लुक हो गया था, एंड डेथ और मौत में, मौत में और दुनिया से ला ताल्लुक ही थी उसकी, येट ही वाज स्टिल अलाइव, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा था, अलाइव था टू मोप, किसके लिए अलाइव था कि वक्त ज़ाया करे अपना, लाइक एन ऑल, एक आउल उल्लू की तरह, एक उल्लू की तरह अपना बेकार वक्त ज़ाया करे, क्योंकि बैठा है ना, कोई भी उससे काम नहीं आता, कोई काम उसने नहीं करना, वक्त ज़ाया कर रहा है, एंड काउंट हिज डेज एट द मर्सी टाइम एंड फेट, और अपने दिन ज़ाया जो है ना वो गिने रहम के और किस्मत के, एंड ही लाइज ऑन द बेड, वो बेड पे पड़ा है, इन द स्टेट ऑफ कोमा, कोमा क्या होता है, जिसमें आप बिल्कुल हिलजुल नहीं सकते, टू फीलिंग लेस, कोई उसमें एहसास नहीं, टू सिट अप और थिंक, ना बैठ सकता है ना सोच सकता है, द सन वेंट डाउन एंड हिड हिज फेस, तो सूरज डूब जाता है, एंड हिड हिज फेस, और उसका चेहरा छुप जाता है, यहाँ पे भी डिके ही डिके है। द ग्लोमी पिक्चर ऑफ मीर निहाल्स पैरालाइज्ड कंडीशन, उसकी तारीख तस्वीर, उसके फालजी हालत की, बीमारी वाली हालत की, आल्सो शोज, अब वो हमें क्या दिखाती है, डैट हीज अ सोल, के उसका जो सोल है, ही इज़ अ डोमिनेटिंग फिगर, उसकी जो रूह है और उसकी रूह पे जो छाए हुए खद्दोखाल हैं, एंड हीज ग्रैंडर, और जो उसकी ग्रैंडर, उसकी अजमत सब ख़त्म हो गई थी, आर ऑल स्कैटर्ड, बिखर गई, एंड डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गई, इन द एंड ऑफ द नावल, नावल के अख्ताम ने, बेगम नील निहाल ब्लाइंडनेस एक और सिम्बल है, शोज हर लेक ऑफ कम्प्रीहेंशन, के उसको समझ नहीं है, इन मेंटेनिंग द ओल्ड वैल्यूज, के कैसे पुराने कदरों को बरकरार रखना है, विद न्यूली चेंज्ड ऑफ सोशल ऑर्डर्स, ये जो नया माशरे में तब्दीली आ रही है इसके साथ, हर ब्लाइंडनेस ये एक सिंबल है उसका, आल्सो शोज द ब्लाइंडनेस ऑफ द वुमेन ऑफ दैट एज, ये मैंने अंडरलाइंस भी इसीलिए कर दिए हुए, ये वो दिखाते हैं जनाब कि औरतों की ब्लाइंडनेस, उनके दौर की औरतों की ब्लाइंडनेस दिखाती है कि वो अपने इर्द गिर्द के हालात से बिल्कुल अंधी थी, बेखबर थी, हु वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मैटर्स अराउंड देम, इस काबिल ही नहीं थी अपने इर्द गिर्द के मामलों को समझे, वेयर एज एज द हिस्टेरिक हिस्टेरिक कंडीशन, हिस्टेरिक उनमें जुनून आ जाता था, दीवानगी आ जाती थी, ऐसी हिस्टेरिक कंडीशन आ जाती थी कि दीवानगी वाली उनकी हालत हो जाती थी। ऑफ बेगम निहाल ओपन्स द सीक्रेट ऑफ हर हस्बैंड्स रिलेशन, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके हस्बैंड के जो तल्लुकात थे विद द हाउसमेट दिलशान, ये वो बयान तो नहीं कर सकती थी, लड़ाई तो नहीं ले सकती थी, लेकिन वो हिस्टेरिक हो जाती थी, जुनूनी हो जाती थी, सिम्बोलिकली शोज द फ्रस्ट्रेशन, और इससे हमें क्या पता चलता है, नाकामी, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है नाकामी में, मायूसी में, एंड एक्सप्लोइटेशंस, और हक मानना ऑफ द हाउस वाइफ इज
घरेलू बीवियां जो होती हैं अपनी बीवी का हक मारना, बाय देयर हस्बेंड्स, उनके हस्बेंड्स जो उनका हक मारते थे, ये इस चीज़ को बताता है, उसका हिस्टीरिया, उसके ब्लाइंडनेस जो वो फेस कर रही है। आगे चलते हैं तो बताते हैं द सैड स्टोरी ऑफ गुलबानो। गुलबानो की अगर सैड स्टोरी को देखें, सिम्बोलिकली शोज द क्रुएलिटी ऑफ फेट, वो बेचारी किस्मत के जालिम, किस्मत उसकी जालिम थी, एंड लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉस्ट ग्रैंडियर। और वो ये गुलबानो, वो बहादुर शाह जफर की सिस्टर की उन्होंने बताया ना नाम, कि वो आती है तो वो फ़कीर बन जाती है, उसकी उसकी हालत ये हो जाती है कि वो लोगों से पैसे मांगने पर मजबूर हो जाती है। ये गुलबानो वो करेक्टर है। लॉस्ट ग्रैंडियर यानी वो अजमत जो खो चुकी है ऑफ द मुगल एम्पायर इन दिल्ली, मुगल एम्पायर की। अब अगर आपसे पूछा जाए कि गुलबानो की क्या थी या मुगल एम्पायर का कौन सा करेक्टर था, तो गुलबानो था जो फ़कीर हो जाती है, फ़कीर नहीं बन जाती है, ये कल्चर का हालत है। फाइनली बेगम निहाल्स ब्लाइंडनेस, डेथ ऑफ बिल्कीज, उसका अंधा हो जाना, बिल्कीज का मर जाना, प्लाइट ऑफ अदर फीमेल्स करेक्टर, दूसरी औरतों की हालत इज़ार, एंड एंग्विश कंडीशन। एंग्विश क्या आती है? कोफ्त जहनी, जहनी अजियत, ये जो उन लोगों को एंग्विश्ड होते हो दी जाती है, उनको जहनी अजियत दी जाती है, दिमागी तौर पर मेंटल टॉर्चर किया जाता है उनको। ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेल्स करेक्टर, हर मर्दाना किरदार के हाथों वो एंग्विश्ड होती हैं, जलील होती हैं, अपनी जहनी कोफ्त का जो है उनको टॉर्चर सहना पड़ता है। सिम्बोलिकली डेमोन्स्ट्रेट बताता है द डेथ एंड डिके ऑफ द कल्चर, कि जनाब हमारा कल्चर ये जो इनका है ना, उसकी मौत वाकई होने वाली है, यानी ख़त्म होने वाला है और जवाल होने वाला है। डेट हैज़ बीन प्रिवेलिंग ऑफ, जो छा रहा था फॉर सेंचुरीज, कई सदियों से, बट डाइंग एट एडवेंट। एडवेंट क्या हो रहा है? आमद, एडवेंट ऑफ चेंज, के एक तब्दीली की आमद हो गई है। आमद ये जो आमद यहाँ पर, इसका मफहूम यहाँ पर भी होता है कि हज़रत ईसा की आमद, कि हज़रत ईसा का दूसरी बार आना, यहाँ पर हम ये भी मफहूम लेते हैं कि जब हज़रत ईसा की आमद होगी दूसरी बार, उसको भी कहते हैं एडवेंट, लेकिन यहाँ पर एडवेंट ऑफ चेंज है। लेकिन ये जो वो लाए हैं चेंज, ब्रिटिश लाए हैं, ब्रोट बाय कॉलोनियल, उनके ज़रिए आया था, ये जो नौ आबादियाती पावर लेके आए थे इन कल्चर, कल्चर में एंड ट्रेडिशनल दिल्ली, और इस रिवायती दिल्ली में। अब हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।